हेलो गाइस, सो गाइस आज हम बनाने वाले हैं करेले की सब्जी, वो भी है भरवा करेले। तो गाइस जब आप बनाते हो, कोई भी बनाता है, तो करेले हमेशा कड़वे लगते हैं, बट मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आपकी सब्ज़ी कड़वी भी नहीं होगी और आपको अच्छी लगेगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, करेले को धो लेना है और उसके ऊपर से जो उसके छिलके हैं ना उनको उतार लेना है। तो गाइस छिलके उतारोगे तो आपको थोड़े थोड़े करके उतार लेना है छिलके, और बीच में से इनको कट कर लेना है। कट करने के बाद आपको है ना छिलकों को साइड में रख लेना है, और उसकी बीज है तो अगर आप बीज भी अगर मसाले में डालना चाहो तो यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप अलग से बीज को निकाल के रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने करेले को है ना दो पार्ट में डिवाइड करके और उनके बीच में से बीज निकाल लिए हैं, और आप चाहो तो बीच में से कट करके भी बीज निकाल सकते हो। तो मैंने दोनों तरीके से करेले को कट किया है। सो गाइस ये हमारे करेले हमने कट कर लिए। इसके बाद हमारे को एक कढ़ाई लेनी है, कढ़ाई के अंदर हमारे को डालना है पानी, और पानी के अंदर हमारे को डालना है नमक, और नमक और उसके बाद डालनी थोड़ी सी हल्दी, और इस पानी के अंदर हमारे को करेले डाल लेना है और करेले को अच्छे से उबाल लेना है ताकि जो उसका कड़वापन है ना वो ख़त्म हो जाए। तो करेले को आपको तब तक उबालना है जब तक वो थोड़े से सिक ना जाए, मतलब उसके ऊपर की जो लेयर है ना वो सिक जाएगी थोड़ी। उसके बाद हम है ना भरवा करेले के लिए मसाला रेडी कर लेंगे। हमें कढ़ाई में ऑयल डालना है, थोड़ा सा ज़ीरा डालना है, और हींग डालनी है, प्याज और मिर्ची डालनी है, और उसके बाद हमारे को इसको अच्छे से भून लेना है। और इसके बाद हमारे को थोड़ा सा, अगर आप लहसुन यूज़ करते हो तो लहसुन भी डाल दो, नहीं तो स्किप कर सकते हो। उसके बाद जो हमने करेले के छिलके उतारे थे आप उन छिलकों को इसके अंदर डाल दो, और अगर मैंने बोला जिनको बीज पसंद है वो बीज भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने नहीं डाले हैं, जो मतलब कड़क नहीं थे वो डाले हैं, बाकी मैंने निकाल दिए बीज। अब इस मसाले को अच्छे से पका लो आप। और इधर हम मेरे करेले भी रेडी है, मैंने उबाल लिए अच्छे से। तो गाइस उबल जावे ना तो आप एक बार निकाल के और उसको चेक कर सकते हो कि थोड़ा सा पक गया है क्या। उसके बाद आपको सारे करेलों के अंदर से पानी निकाल लेना है और उनको साइड में अलग करके रख लेना है। और हम इस मसाले के अंदर डालेंगे नमक, हल्दी और लाल मिर्च और धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा अमचूर पाउडर। इन सबको डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से हिला लेंगे। तो आप है ना इसके अंदर मिर्ची तेज खाते हो तो इस मसाले के अंदर मिर्ची ज़्यादा डाल सकते हो। और हमारा मसाला भी रेडी है, और ये करेले मैंने निकाल दिए थे पानी में से, और थोड़ा ठंडे होने के बाद हमने ये जो मसाला भरवा मसाला बनाया उसको करेले में अच्छे से हम भर लेंगे। और आप है ना अच्छे से भरो, और उसके बाद इसको ना तो धागे से बांधने की ज़रूरत है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस भर लेना है करेले में इस मसाले को अच्छे से। सो गाइस हमने भर तो लिया, अब उसके बाद हमारे को करना है कढ़ाई में ऑयल डालना है, और उसके अंदर ये जितने भी करेले हमने भरे हैं ना उनको एक एक करके इस ऑयल के अंदर रख लेना है, और इसको हमारे को सिर्फ 5 मिनट के लिए पकाने लेना है। और ये हमारी भरवा करेले की सब्ज़ी एकदम रेडी है। तो गाइस एक बार ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करना, आपको भी अच्छी लगेगी और करेले बिल्कुल कड़वे नहीं लगेंगे। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, रेसिपी को शेयर करना ना भूलें।